सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। तो आज मैं अपना जो हेयर कट वाला वीडियो था, पिछला वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आज मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार देखा, इसके लिए आप सबको थैंक्स। तो सबसे पहले हमें ऑटोडक्स एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करने, उसके बाद उसके सेटिंग को इस तरह कर लेना है, उसके बाद उस मॉडल की हेयर को इससे ब्रश कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम कीजिएगा। तो ब्रश को आप थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा, वरना खराब भी आ सकती है, फ़ोटो और ख़राब हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है बट फिर भी इतना आसान भी नहीं है। तो धीरे धीरे कर लीजिएगा। मेरे वीडियो में कुछ नॉइजेस आ सकती है क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा माइक्रोफोन नहीं है, तो कुछ दिन बाद आएगा मेरा माइक्रोफोन, तो इसके लिए सॉरी अगर आपको नॉइज फील होता है। तो बाद आपको उसी ब्रश के फॉलो और स्ट्रेंथ को घटा लेना है, और अपने नीचे के जो थोड़े नीचे साइड के बाल उनको थोड़ा थोड़ा ब्रश करना है, क्योंकि उसमें अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा रखेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और कुछ ज़्यादा ही डुप्लीकेट जैसा लगेगा। तो आप धीरे धीरे कर लीजिए। अभी हेयर स्मूथ होने के बाद हमें हेयर कट लगाना है। तो हेयर स्मूथ होने के बाद आपको मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही करना है। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और मैंने जिसमें क्लिक किया है उसी में क्लिक करना है, और सर्कल वाला ऑप्शन को लेना है आपको। सर्कल वाला ऑप्शन को अपने हेयर के नीचे के साइड में लगाना है, जहाँ पर आपको हेयर कट डालना है। और सेम ब्रश ही रखना है आपको, और उसका फॉलो को 100% रख देना है। कुछ मैसेज आ गई, सॉरी। तो और 60% को स्ट्रेंथ को रख लेना है, हमें साइज को सेम ही रखना है, साइज सेम ही रखना है हमें, और इसके ऊपर कट लगा देना है। अभी दूसरा लगाना है उसके, थोड़ा और साइज का कटा देना है उसको, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको नीचे लगाना है। अभी ये हेयर कट हो चुका है, अभी हमें हेयर कलर करना है। हेयर कलर करने के लिए आपको जो पेंट वाला ऑप्शन मिलेगा उसमें जाना है। वो सिंथेटिक पेंट में इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग को मेरे जैसा कर लेना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कलर को अपने हिसाब से रखना है आपको, जो कलर करना है वैसा। मैं 3-4 कलर का मिक्स करने वाला हूँ, उससे अच्छा लगेगा शायद, पता नहीं आपको क्या लगता है कमेंट में बता देना। तो अभी ये कलर हो चुका है, अभी इसको हमें मेल्ट कर देना है। उसके लिए मेल्ट करने के लिए हमें हमारा पहले वाला ब्रश लगाना पड़ेगा, और सेटिंग को सेम टू सेम मेरे जैसा करना पड़ेगा। और हमें
उसी कलर के ऊपर मेल्ट कर देना है। देखिए ये कितने अच्छे से मेल्ट हो जा रहा है। टाइम लगा के करना है आपको ये मेल्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि बहुत मुश्किल है, इसमें ख़राब हो सकती है फ़ोटो। ये मेल्ट हो चुका है। तो मेल्ट हो गया है अभी। अभी मैंने बोला था कि इसमें फेस स्मूथिंग भी करूँगा, तो फेस स्मूथिंग के लिए आपको सेम ब्रश ही लेना है, सेटिंग को सेम ही रखना है अभी जो था, और फेस के ऊपर ऐसे ब्रश कर देना है। तो देखिए पूरा फेस स्मूथ हो रहा है। आप इस ऑटोडेस्क एप्लीकेशन से इसी तरह आपको फेस स्मूथिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो बहुत अच्छे से फेस स्मूथिंग हो जाता है ऑटोडेस्क से। देखिए अब पूरा कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। ऑटोडेस्क एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आपको अच्छे से स्मूथ कर लेना है फेस को। साइज को कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका फेस कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो जाएगा। फेस के बाद अभी मैं नोज़ को भी स्मूथ कर लेता हूँ, कि नोज़ में भी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। अभी भाई साहब के मतलब मॉडल की बियर्ड, आई मीन क्या बोलते इसको, दाढ़ी मूछ को भी स्मूथ करना है। सेम सेटिंग रखना है या फिर मेरे जैसा करना है, और ब्रश कर देना है। देखिए दाढ़ी में कैसा स्मूथ हो रहा है, दाढ़ी एकदम बहुत गोजेस लग रहा है फोटो में। और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, उसके लिए भी मैं आपसे सॉरी। पर पूरा वीडियो देखने से ही आप पूरा मतलब इसको एडिट कर सकते हैं। मेरा एम है एक साल के अंदर करीब 10K का, कि आप लोग कर सकते हैं कमेंट में बताना। एक वन मतलब 10K कंप्लीट हो सकता है क्या, मतलब 10,000 सब्सक्राइबर के। तो अभी आपको फॉलो या स्ट्रेंथ को सेम रखिए, ऊपर वाले हिस्से को भी थोड़ा थोड़ा करना है, इससे फॉलो और भी थोड़ा घटा देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। इसे हम मैं स्पीड से कर लेता हूँ। तो अभी ये फ़ोटो पूरा ठीक हो चुका है, मतलब जैसा मैंने बोला था ऐसा हो चुका है। तो अगर मेरे वीडियो सबको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।